दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। चौपाल के कुपवी से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशपाल नाइक ने अपने समर्थकों सहित शिमला संसदीय सीट से टिकट के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपना आवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय सचिव गुलाब सिंह ठाकुर को सौंपा। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए यशपाल नाइक ने कहा कि चौपाल क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को संसद में जाने का अब तक कोई मौका नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान उन्हें पार्टी टिकट देती है तो वे इस सीट पर शानदार जीत हासिल करेंगे। बाकी तो आप जानते हैं कि जो पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो विशेष रूप से जो है लागू किया जाएगा, जैसा पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी, जिस प्रकार से आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया चलेगी। मैं विशेष तौर पर जो हमारा ट्रांसगिरी एरिया है, जिसमें हमारा शिमला जिला का बहुत सारा क्षेत्र आता है जिसे गिरिपार का क्षेत्र कहते हैं, अभी हाल ही में जो हमारा सिरमौर क्षेत्र है वह ट्राइबल घोषित किया गया है, उसके काफ़ी 3-4 विधानसभा क्षेत्र की लगभग 154 पंचायतें जो है अनुसूचित जनजाति घोषित हुई है। तो हमारे शिमला जिला का जो समान क्षेत्र है वो अभी इस से जो है वंचित रखा गया है, उसके लिए हम आने वाले समय में पुरजोर शोर से ये मांग उठाएंगे, जब भी जो नई सरकार बनेगी केंद्र में और हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से जो वर्तमान में हमारी सरकार है, हम रेजोल्यूशन पास करवाएंगे और जो क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है उसमें ये हमारा शिमला जिला का और रामपुर जो संसदीय क्षेत्र है और जिला शिमला में ही आता है उसका हमारा काशापाट और 15-20 क्षेत्र का जो एरिया है उसको भी हम जनजातीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे प्रस्तावित थे, जो हमारे गडकरी जी थे जब यहाँ पे आए थे हिमाचल में, उन्होंने कुछ 69 जो नेशनल हाईवे है डिक्लेयर किए थे, उसमें हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के भी हाईवेज थे जिसमें तीनों जिलाओं को जो है जोड़ा जाना था, उसमें जो है कोई भी कार्य जो है आगे नहीं किया गया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उसको उनको जो रोजगार दिलाने के लिए पर्यटन उद्योग में जो है विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे आराध्या देव शिरगुल महाराज जी है जो चूड़धार में स्थित है, उनके मंदिर के लिए जो एक तीर्थ स्थल हमने वहाँ पे स्थापित करना है, बहुत उत्थान करने की वहाँ पे जो भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और विशेषकर हमारे आराध्या देव है, हमारे सिरमौर जिला, सोलन जिला और शिमला जिला के लोग हर वर्ष वहाँ पे जाते हैं। वहाँ के लिए जो हमसे बन पाएगा वो उसके लिए भी जैसे रोपवे की का हमने प्लान किया है और उसके साथ जो है सड़क वहाँ तक जो है जहाँ तक संभव होगी वहाँ तक के लिए बनानी है, और साथ ही जो हमारे सतारा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लिए हम समान रूप से विकास करेंगे, जो जो समस्याएं होगी, और महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए स्वरोजगार के साधन जो तलाशेंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि जो हमारी केंद्र की सरकार है उसका प्रदेश के प्रति बड़ा उदासीन रवैया रहा है, विशेष तौर में आज इस पर चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसे हाल ही में यहाँ पे आपदा आई थी, लगभग 12,000 करोड़ का जो आकलन हुआ है नुकसान का, केंद्र सरकार से अभी तक हमें जो है एक कौड़ी भी राहत के रूप में नहीं मिली है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जो है 4500 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज देके जो हमारे इस आपदा से जो ग्रसित हुए थे लोग उनके जख्मों में मरहम लगाया है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी देश में न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमारा सब जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है, परंतु जिस प्रकार का भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि 2004 से लेकर 9 तक जो हमारी कांग्रेस की सरकार UPA की सरकार केंद्र में रही है, और उस समय जो 2007 से 12 तक प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, परंतु इस तरह का भेदभाव
हमारी सरकार ने प्रदेश के साथ नहीं किया। जब जब भी प्रदेश को आर्थिक पैकेज की ज़रूरत पड़ी तो वो मिला, और आप सब जानते हैं कि उस समय हमारे तीन मेडिकल कॉलेज जिसमें चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुले गए, उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, और ईएसआई हॉस्पिटल जो है मंडी में दिया गया, और निफ्ट का जो इंस्टीट्यूट है वो हमीरपुर में खुला। तो इस प्रकार कई जो विकास की योजनाएं हैं वो प्रदेश में जो है स्थापित हुई है यूपीए की सरकार में, परंतु वर्ष 2014 के बाद जो है जब से माननीय मोदी जी केंद्र में आए हैं तो प्रदेश के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। प्रदेश की जो आप देखते हैं कि जो हमारी ऋण लेने की सीमा है उस पर भी बंदिशें लगाई गई है और एक तरह का कैप लगा दिया गया है। प्रदेश में जो है जो प्रदेश का ड्यू राइट बनता है वो भी उसको नहीं दिया गया है। ये इस तरह का जो भेदभाव केंद्र सरकार द्वारा पार्टी के साथ किया गया है, और इस वर्ष जो है आप देखते हैं कि आपदा होने के बावजूद भी केंद्र की ओर से हमें कोई भी पैसा राहत के रूप में नहीं आया है। इसके साथ साथ प्रदेश की आर्थिकी उभारने के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार है वो कार्य कर रही है। आपने देखा अभी हाल ही में 20% जो हमारी उसमें ग्रोथ आई है, आप रेवेन्यू में डेफिसिट में, वो एक सराहनीय कदम है। प्रदेश सरकार जो है अपने खर्चों में कटौती कर रही है और सरकार जो है आर्थिकी की को सुदृढ़ करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया है उसे जो है हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें प्रदेश की चारों सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केंद्र सरकार को इसका जवाब अवश्य रूप से देगी। जो केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है उनको इसका जवाब जो है इन आने वाले लोकसभा चुनावों में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।